उसी समय जिंदगी में आता है जब जीसस आता है। व्यवस्था का बंधन यीशु ने खोल दिया। तूने सिर्फ और सिर्फ यीशु पर भरोसा किया है। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य तुझ पर आ रही है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें इस नए साल में प्रतिज्ञा की है कि वो भरपूरी की आशीष हमारे जीवन में उंडेलेगा। आइए इस गीत को मैं गाता हूं आपके मनों को तैयार करने के लिए। लाखों में मेरा वो प्रिया यीशु ही मेरा प्रिय है। मेरे संग आप भी गुनगुनाइए, मेरे संग आप भी गाइए और अपने मनों को तैयार करिए, क्योंकि आज मैं 24 आवर्स मिरेकल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। 24 घंटे में आश्चर्य कर्म होने वाला है। आश्चर्य कर्म आपके घर आ चुका है। आपके घर के दरवाजे पर आश्चर्य कर्म खड़ा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। और आज अपने मुंह से बोलना शुरू करें कि मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात, मेरे दिन बदलने जा रहे हैं। बहाव आने वाला है, भरपूरी आने वाली है। लाखों में मेरा वो प्रिया यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। जितने दर्शक आज हमारे कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर उंडेली जाएगी और आपके सारे बंधन, आर्थिक बंधन, भावनात्मक बंधन, शैतानी बंधन, चाहे किसी प्रकार की गड़बड़ी की आत्मा क्यों ना काम कर रही हो, चाहे कितनी ही बीमारी और कितना ही बड़ा पहाड़ आपके सामने क्यों ना खड़ा हो, माई गॉड इज गोइंग टू विजिट यू, बिलीव मी। लाखों में मेरा वो प्रिया। प्यारे प्रभु, आज सुबह हमारे सारे दर्शकों के लिए अपनी सेवा टहल करने वाली आत्माओं को, स्वर्गदूतों को भेज दे ताकि सुपर नेचुरल प्रोविजन उनके लिए हो जाए। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय 1-7 तक। यहां वर्णन जो है वो एलीशा के बारे में है, विधवा के बारे में है। उसका पति मर गया है, भय मानने वाला पति था, धर्मी जन था। एक और बात कहूंगा आपसे आज, धर्मियों के तंबू में जय जयकार होती है। मेरे साथ कहिए, धर्मियों के तंबू में जय जयकार होती है। इसलिए मेरे घर में, मेरे तंबू में, मेरे बिजनेस में, मेरे बच्चों के बीच में जय जयकार होगी। Righteous deserves all blessing। अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए। एक बात और कहना चाहूंगा इस विधवा के वर्णन से कि उसने सुपरनेचुरल प्रोविजन को प्राप्त किया।
परमेश्वर जब आता है तो खाली हाथ नहीं आता, परमेश्वर जब आता है तो भरपूरी के साथ आता है, परमेश्वर जब आता है तो हरियाली लेकर आता है। होशे नबी में लिखा हुआ है कि मैं हरे सनोवर जैसा हूं और अपनी मजदूरी तुम मुझसे पाए करेगा। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि बहुत सारे लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोगों को कई सालों से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का इंक्रीमेंट रुका हुआ है, बहुत सारे लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पा रहे हैं, अप्लाई तो उन्होंने किया है। आज इस संदेश के आरंभ में ही आपसे कह देना चाहता हूं, 24 आवर्स मिराकल, 24 घंटे में मिराकल होने वाला है, और ये मिराकल मनुष्य नहीं करेगा, बैंक नहीं करेगा, रिश्तेदार नहीं करेंगे। माई गॉड विल रिलीज, ही इज ऑलरेडी रिलीजिंग, माई गॉड इज रिलीजिंग द 24 आवर्स मिराकल इन योर लाइफ। कोई फोन आने वाला है आपके पास, कोई ऑफर आने वाला है आपके पास। तो आइए इस वर्णन में चलते हैं। एलीशा के पास ये विधवा गई और कर्जदार पैसे लेने आया था। एक और बात, मेरे पास जितने भी फोन आते हैं उनमें से ज्यादातर फोन कर्ज के बारे में है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में है, नौकरी के बारे में है। एक भाई गैरेज में काम कर रहा था और उसने मुझसे फोन पर बातचीत की और बोला, साहब हम गैरेज में थोड़ी कम सैलरी में काम करते थे, वो नौकरी भी चली गई, अब मैं क्या करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। और मैंने उससे पूछा, क्या जो सैलरी तुम्हें मिलती थी क्या उसमें से तुम प्रभु के लिए देते थे? और वो चुप हो गया। आज एक ऐसा वर्णन है मेरे सामने, यहां देखिए, एलीशा ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, बता कि तेरे घर में क्या है। हियर इज माई मैसेज, बता कि तेरे घर में क्या है, आपके घर में क्या है। आशीष वहीं से आरंभ होगी जो आपके हाथ में है, जो आपकी मुट्ठी में है, जो आपके स्टोर में है, जो आपके अकाउंट में है, वो क्या है। विधवा कह रही है, मेरे पास हांडी में तेल है, एक हांडी तेल है। तेल से इतनी बड़ी समस्या हल हो जाएगी? तेल क्या करेगा? क्या मैं तेल के ऊपर विश्वास करूं? या एलीशा ने जो कहा है मैं उस पर विश्वास करूं? लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, एलीशा जो है वो बात कर रहा है और कह रहा है बस वो जो हांडी में तेल है उस पर आश्चर्यक्रम की आशीष आने वाली है, सुपरनेचुरल होने वाला है। तू एक काम कर, अपने पड़ोसियों से और अपने गांव में से जहां जहां से बर्तन तू ला सकती है उसे ले आ। दूसरी बात, परमेश्वर के घर में इतना तेल है कि आपके पास हांडी कम पड़ जाएगी। परमेश्वर के पास इतना बहाव है, इतनी प्रचुरता है, इतना आनंद है, इतनी नौकरियां हैं, इतने तरक्की हैं, वो मेरा परमेश्वर कुछ भी असंभव आपके लिए कर सकता है। और इस विधवा ने एलीशा की बात पर पूरा पूरा भरोसा कर लिया। उसने बर्तनों को इकट्ठा किया, कमरे में गई, एलीशा ने कहा था अपने बेटों के साथ एक अलग कमरे में चले जाना और तेल को उंडेलना आरंभ कर देना। विश्वास कीजिए, 24 आवर्स मिराकल आपके लिए होने जा रहा है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, मेरे वचन पर विश्वास कीजिए। मैं आपसे नबूवत करके कहता हूं, मैं ये मैसेज आपको ऐसे ही नहीं दे रहा हूं,
पवित्र आत्मा ने आज शुभ संदेश के गेस्ट रूम में मुझसे बातचीत की और मेरे मन को उभारा। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा, अपने पार्टनर से कह दे 24 घंटे के मिराकल होने जा रहे हैं, आश्चर्यक्रम होने के लिए तैयार है, ये व्याकुल हो रहा है। माई गॉड इज अबाउट टू रीच यू, मेरे परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। आपको मालूम, एक गरीबी का श्राप था इस विधवा के ऊपर। मैं ऐसे कहूंगा, भविष्यवक्ता की पत्नी थी, लेकिन उस अलौकिक आशीष को उसने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को आश्चर्य कर्म करने का एक अवसर चाहिए और आप अवसर दे सकते हैं इसी समय। बर्तुलमई को 24 घंटे का मिराकल मिल गया। 5 रोटी 2 मछली को याद करिए, यीशु मसीह के हाथ में आते ही आश्चर्य कर्म हो गया, अभाव खत्म हो गया। आपका भी अभाव कैंसिल कर रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके पास कर्ज है, बैंकों का कर्ज है और पेपर्स हैं, तो उन पेपर्स को ऐसे अपने हाथ में लीजिए और उस पर बोलिए कैंसिल्ड, आई कैंसिल। मैं मैन ऑफ गॉड बोल रहा हूं आपसे यीशु मसीह के नाम में, सारे कर्ज से आप बाहर आ रहे हैं। मेरे भाई, तू बाहर आ रहा है। किसी नौजवान को मैं बोल रहा हूं, इस समय कार्यक्रम देख रहा है और तू कह रहा है, मैंने तो इतने इंटरव्यू दिए, इतनी जगह आवेदन दिया, इतने कंपटीशन दिए, मुझको नौकरी नहीं मिली। भाई रंजीत, तुझसे कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, तू मेरे कार्यक्रम को औरंगाबाद में देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाता है कि तू सारी मुसीबतों से और सारे बंद दरवाजों से बाहर आ रहा है और परमेश्वर तेरे लिए अद्भुत तरीके से नौकरी का इंतजाम कर रहा है। तेरा अपॉइंटमेंट आ रहा है, बोलना शुरू कर, अपॉइंटमेंट आ रहा है। जितने नौजवान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जितने माता पिता अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, फाइनेंस के लिए, नौकरी के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, कम ऑन स्पीक, बोलना शुरू करें, सक्सेस इज कमिंग। तू सिर ठहरेगा, पूंछ नहीं। जब इसहाक के लिए अकाल में आश्चर्य कर्म हो सकता है, तो आपके लिए भी आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। यही समय है परमेश्वर को पुकारने का। दिल्ली में मेरे बहुत सारे पार्टनर्स हैं और उनमें से एक बहन ने, जिसने जीवन में अपनी शादी नहीं की और वो गवर्नमेंट में काम करती थी, स्टाफ नर्स थी, और उसने कुछ दिनों पहले मुझे फोन किया कि रिटायरमेंट के बाद उसको बहुत सारा पैसा मिला और ठीक पैसा मिलते ही कोई व्यक्ति उसके पास आया, कोई कंपनी का, और उसको बोला कि ये पैसा जो है, यदि तुम इन्वेस्ट कर दोगी तो तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। वो लालच में फंस गई, चक्रव्यूह में फंस गई और उसने सारा पैसा और पैसा पाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया और वो व्यक्ति गलत था, ठग था, उसने उसको चीट किया, धोखा दिया और सारा पैसा खत्म हो गया। उसने रोते रोते मुझे फोन किया और बोला, ब्रदर रंजीत, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ रिस्टोर कर सकता है। आई प्रोफेसाई इन 2018, जो कुछ शैतान ने आपका चुरा लिया है, उस चोर ने जो आपका चुरा लिया है, उस घात करने वाले ने जो कुछ आपका चुरा लिया है, उस नाश करने वाले ने जो कुछ आपका चुरा लिया है, चीयर अप, उत्साहित हो जाए, मेरा परमेश्वर उसे लौटाने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में 24 आवर्स मिराकल की मैं घोषणा करता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के पास खाली हाथ ना आए। निर्गमन में लिखा हुआ है, स्क्रीन पर रेफरेंस आ रहा है, कोई छूछे हाथ मेरे पास ना आए। यदि आपके हाथ में बीज है,
तो परमेश्वर के हाथ में फसल है। यदि आपके हाथ में ऑफरिंग है तो परमेश्वर के हाथ में मिरेकल है, फसल है, आपको फसल मिलने जा रही है। सच कहता हूं आपसे यीशु मसीह के नाम में, बहुत सारे लोग जब मैं ऐसा प्रचार करता हूं तो लोग सोचते हैं भाई रंजीत पैसा मांग रहा है। नहीं, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी ब्लेसिंग के रहस्य को आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। फोन उठाइए, मेरे ऑफिस में फोन करिए, अकाउंट नंबर लीजिए, अपने चेकबुक को उठाइए, सीड बोना शुरू करिए और मैं आपको गारंटी देता हूं 24 आवर्स मिरेकल इज हैपनिंग राइट नाउ इन द सुपरनेचुरल रियलम। अलौकिक संसार से ये आपके नेचुरल संसार में ये मिरेकल आपके लिए होने ही जा रहा है। अंधकार की शक्तियों को जो दुष्टात्माएं फाइनेंस को रोकती हैं, आई रिब्यूक। विधवाने हैं, तेल उंडेला शुरू कर दिया, जब आप उंडेलने लगेंगे तो सारे बर्तन भर जाएंगे, आप सकेती से बाहर आ रहे हैं। मैं कई परिवारों को देख रहा हूं जो इस साल अपना घर बनाएंगे, अपना फ्लैट खरीदेंगे, नए अकाउंट खोलेंगे, नई गाड़ियों को लेंगे। बहुत से लोग अपने EMI को भरने के लिए बहुत परेशान हैं, बैंकों के लोन से वे बाहर आएंगे। ये प्रभु का सेवक आपसे कहना चाहता है, सो योर सीड टुडे राइट नाउ। किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि जब आप बीज बोते हैं तो उस बीज में ही फसल होती है। ओ जीसस, आई लव यू जीसस। जब तेल उंडेला जा रहा था, सारे बर्तन भर गए। हेलो, सारे बर्तन भर गए। क्या आप अपने बच्चों के जीवन में आशीष देखना चाहते हैं? क्या आप उनका सक्सेस देखना चाहते हैं? शायद किसी माँ की बेटी से कहना चाहता हूं, क्या अपनी बेटी की शादी 2018 में आप देखना चाहती हैं? किसी बंद कोख से मैं कह रहा हूं, किसी निसंतान बहन से मैं कह रहा हूं, क्या तू संतान देखना चाहती है? यहां मैं थोड़ा रुकूंगा और विराम दूंगा अपने संदेश को, और मैं कहूंगा आपसे, जब मैंने निसंतान बहनों के लिए प्रचार किया था, बहुत सी बहनें मां बनी, लेकिन 70% से भी ज्यादा बहनें मां नहीं बन पाई। आपको बताना चाहता हूं कि ये वो बहनें हैं जिन्होंने अपने आश्चर्य कर्म के लिए कभी बीज नहीं बोया। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना करने के साथ परमेश्वर के राज्य में निवेश करना, परमेश्वर के राज में सीड को बोना बहुत ही जरूरी है। जो बोता है वही काटता है। हर्ष से देने वाले को परमेश्वर आशीष देता है। अपनी बंद मुट्ठियों को खोलना आरंभ करें 2018 में, और मैंने आपसे कहा है कैमल्स आर कमिंग, ऊंट आ रहे हैं और वो आपको ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। वो ऊंट जो है धन संपत्ति के शिवा से आ रहे हैं, और ये हो करके रहेगा, मैं परमेश्वर का जन हूँ, ये भविष्यवाणी पूरी हो करके ही रहेगी। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने से ही सब कुछ हो जाएगा। जरूर प्रार्थना से परमेश्वर उत्तर देता है, लेकिन कई बार बहुत से लोग उपवास रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे जगह फोन करते हैं, फिर भी आश्चर्य कर्म नहीं होता। उसका एक ही कारण है, वे कभी बीज नहीं बोते। सो द सीड एंड रिसीव द मिरेकल। नागपुर की एक मेरी प्रिय बहन है, वो मेरी पार्टनर है, सरोज नाम है उसका। और कुछ दिनों पहले 2017 में जब मैं मीटिंग के लिए गया था, तो वो मेरे पास आई होटल के कमरे में और मिली, और वो बताने लगी कि वो LIC का काम करती है। मैं शांत होकर के सब कुछ सुनता रहा और बोली कि मुझे 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। मैंने कहा, सरोज, शायद आप भी मेरे कार्यक्रम को इस समय देख रही हैं सरोज जी। उन्होंने 5,000 रुपये का बीज बो दिया, और आपको बताना चाहता हूँ कुछ ही दिनों में मिरेकल हो गया,
और एग्जैक्टली 50,000 का ट्रांजेक्शन LIC में उनको मिल गया। ऐसे न जाने कितने आश्चर्यकर्म मेरे पास है, लेकिन एक और घटना आपको बताऊंगा मैं यीशु मसीह के नाम में, जो मेरे दिल को छूने वाली है। रांची में एक छोटी सी मीटिंग में मैं प्रचार कर रहा था और वहाँ एक बहन आई अपनी दो बेटियों को लेकर। मैं प्रार्थना लगभग ख़त्म ही कर चुका था और वो दोनों बेटियों को लेकर मेरे सामने आई और बोली, ब्रदर इनके लिए प्रार्थना करिए कि इनका MBBS में एडमिशन हो जाए। मैंने उनकी ओर देखा और मैंने उनको समझाया कि यदि आप आश्चर्यकर्म देखना चाहती हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में बीज बो दीजिए, और प्रार्थना तो मैं कर रहा हूँ, मिरेकल हो जाएगा। प्रार्थना मैंने किया, लेकिन मैंने अपने दिल के अंदर ये जान लिया था कि आश्चर्यकर्म नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मैंने उनके हाव भाव से समझ लिया था कि बस यूं ही आ गए हैं, किसी तरह सब काम हो जाए। कुछ ऐसा हुआ, कोर्स ऑफ एक्शन, घटनाक्रम कुछ इस तरीके से चले कि 3 साल के बाद मैं उस घर में फिर कॉटेज मीटिंग के लिए गया और वो बहन अपनी दोनों बेटियों को फिर लेकर आई और बोली, ब्रदर अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। हमने कहा, आपने अभी तक बीज नहीं बोया। मैं परमेश्वर का सच्चा सेवक हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए आंसुओं से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कई बार मेरे आंसू बहाने से भी परमेश्वर कार्य नहीं करता। परमेश्वर का कार्य आप करें और वो आपका काम करेगा। ये विधवा जो थी, इसके पास एक हांडी तेल था, उसने सरेंडर कर दिया। उसने एलीशा के बात पर विश्वास किया। मैं तो एलीशा नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का जन होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। इस 2018 में परमेश्वर सुपर नेचुरल प्रोविजन आपके लिए देने जा रहा है। हांडियों को जमा करिए, तेलों को उंडेलना आरंभ करिए, और अंत में हांडी खत्म हो गई, सारे हांडियां भर गईं। और तब उसने कहा, एक और हांडी ले आओ। यहां कुछ कहना चाहूंगा आपसे, जो मेरे दिल में उमड़ रहा है वो एक हांडी आप हैं। हांडियां तो सारी भर गई, लेकिन इस 2018 में मेरा परमेश्वर आपको भरना चाहता है, अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आप जहां कहीं भी अपने हाथों को उठा लें, मेरे टेलीविजन सेट के पास आ जाएं, मेरे कार्यक्रम के पास आ जाएं, यीशु मसीह के नाम में स्क्रीन को टच करें और बोले, प्रभु भर दे। लॉर्ड आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ प्रोविजन, आई रिलीज द फाइनेंस इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों को प्रभु, जो फाइनेंस को रोकती हैं, नौकरी को रोकती हैं, हर प्रकार के नरक की शक्तियों को प्रभु, जो लोगों को उन्नति करने से रोकती हैं, आई कम अगेंस्ट यू इन द नेम ऑफ जीसस। हर विपरीत परिस्थितियों को, हर पहाड़ों को, हर कटीली झाड़ियों को, हर बीमारियों को, कैंसर आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। The Lord is healing many of you right now. In the name of Jesus. जब आज मैं प्रचार कर रहा हूं इसका, आप अपने चेकबुक को अपने हाथ में लीजिएगा, अपने ATM को अपने हाथ में लीजिएगा। आई एम गोइंग टू ब्लेस इट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा परमेश्वर हेवनली बैंक का भंडारी है, इंचार्ज है। He owns everything. Don't trust man. मनुष्य पर भरोसा ना रखें, मेरा परमेश्वर। फिलिपियों 4:19 के अनुसार, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार, जो यीशु मसीह में है, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ऐसे कहिएगा। बहुत से लोग कांप रहे हैं इस समय, पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य आप पर उतर आई है। Pick up your phone right now. अपने फोन को उठाइए, मुझे फोन कीजिए।
मेरा स्टाफ आपके फोन की आवाज को सुनने के लिए तैयार है. कम ऑन, 24 आवर्स मिरेकल इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग राइट नाउ. अलौकिक संसार से नेचुरल संसार में मिरेकल हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में है. मैंने जो कहा है वो प्रभु की आत्मा में कहा है, और मेरा परमेश्वर है आपको ऐसी आशीषें देगा कि आप देखते रह जाएंगे. आपको समझ में नहीं आएगा फाइनेंस कहां से आ गया. मैं किसी जवान से कह रहा हूं, भाई से, तू चिप स्टोन्स का काम करना चाहता है, सुधीर सुधीर, तेरा नाम सुधीर है, तू चिप्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और सोच रहा है कैसे करूं कैसे करूं, जोखिम उठाऊं कि ना उठाऊं, कदम उठाऊं कि ना उठाऊं. मैं तुझसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में इस बिजनेस में हाथ लगा, परमेश्वर समृद्धि तुझे देने जा रहा है. हालेलुया हालेलुया लॉर्ड हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु. कुछ लोग अपने FD पेपर को लेकर के बहुत चिंता में हैं. मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में आपका पैसा नहीं डूबेगा. हांडी पर ब्लेसिंग आ गई. बात यह है, जब परमेश्वर किसी चीज को छू देता है उसमें बहाव आ जाता है. ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर यू, रिसीव इट. इसको ले लीजिए और आनंद मनाइए, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है. जब उस कमरे को विधवा ने बंद किया और अपने बेटे को बुलाया, वे लोग सहमत हो गए. अपने परिवार में मेल मिलाप को लाइए, एक साथ हाथों को पकड़िए और विश्वास से इस वचन को मेरे ग्रहण कीजिए. अंत में फिर कहूँगा, पिकअप योर फोन, आपको मेरा अकाउंट नंबर मिलेगा. मैं एक अभिषिक्त सेवक हूँ और स्वतंत्र ग्लोबल मिनिस्ट्री एक अभिषिक्त सेवकाई है. आपको आशीष मिलेगी ही, ये बिल्कुल सुनिश्चित है. परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष, जो सारी कल्पनाओं से परे है, परमेश्वर आपके सपनों को पूरा करने जा रहा है. प्रभु आशीष दे.